हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शेडो एंड बोन को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेडो एंड बोन ये वेब सीरीज आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 55 मिनट के बीच का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी अलीना नाम की एक लड़की की, जिसको अभी अभी पता चला है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं और इस चीज के कारण उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीरीज का स्क्रीन प्ले अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे अपनी सिचुएशन और कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करती है वो काफ़ी अच्छा है। और इस चीज़ के कारण हम स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और जिस तरह से इस सीरीज़ की दुनिया के अराउंड एक मिस्ट्री बिल्डअप करी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और हम इस दुनिया के बारे में और भी जानना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हमें इस सीरीज़ के साथ जोड़े रखते हैं और बोर नहीं होते, लेकिन कोई भी ट्विस्ट हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज ये शॉक नहीं करता है और हमें इन ट्विस्ट के बारे में पहले से एक हिंट होता है। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वो भी काफ़ी अच्छा है, सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से डेवलप किया गया है कि हमारा सभी कैरेक्टर्स के साथ एक हल्का फुल्का कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। स्पेशली अलीना के कैरेक्टर के साथ इस सीरीज में जो भी हो रहा होता है उसे हम फील कर पाते हैं। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर्स के बीच के डायनेमिक्स की तो वो भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अलीना और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच के रिलेशनशिप को हम इस सीरीज में काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन इस सीरीज का जो पेस है वो थोड़ा स्लो है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को इस सीरीज के साथ कनेक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस सीरीज की स्लो पेसिंग के कारण मुझे इस सीरीज की लेंथ भी काफ़ी फील हुई। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में ये सीरीज पूरी तरह से शाइन करती है, क्योंकि सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप लीड्स की बात करो या फिर सपोर्टिंग कास्ट की, सभी का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का काफ़ी अच्छा है, और टेक्निकली तो आप इस पूरी सीरीज में एक भी गलती नहीं निकाल पाओगे, लेकिन एडिटिंग इस सीरीज की थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, स्पेशली इसकी लेंथ को लेकर। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, आप इंजॉय करोगे। तो मेरी तरफ से तो ये सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है, और अगर आपने ये सीरीज देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।